वेलकम स्टूडेंट, आज हम गुजरात बोर्ड का क्लास 12 कंप्यूटर उसका चैप्टर नंबर 7 जावा बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपने पहला क्लास जो है चैप्टर 1 का वो पूरा मैंने आपको बता दिया था। अब मैं अपने जो पैकेज है पूरा चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 13 तक का वो मैं आपको जो है पैकेज में बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा उसके बारे में थोड़ी गाइडलाइन प्रोवाइड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि इसमें आपको पहले तो चैप्टर 2 का पूरा जो चैप्टर है उसके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो MCQ आते हैं या चैप्टर आता होगा, जब भी कोई चेंजेस होगा गुजरात बोर्ड के द्वारा तो भी आपको ये वीडियो प्रेजेंटेशन काम आने वाला है। ओके, दूसरी बात कि हर साल जो है कॉमर्स या तो साइंस के स्टूडेंट लास्ट में ही कंप्यूटर करते हैं, तो उसके पास टाइम बचता नहीं है, तो उस टाइम पे ये कंप्यूटर सब्जेक्ट की वजह से वो लोग फेल हो जाते हैं, तो ऐसा आपके साथ ना हो और आपको पूरा कोर्स जो है वो बहुत ही कम टाइम में मतलब स्मार्ट वर्क करके आप उसमें पास हो जाओ। ऐसे हर साल मैंने देखा है, हर साल मुझसे सभी लोग पैकेज इसका लोग मतलब स्टूडेंट खरीदते हैं। तो आप अगर ये खरीदना चाहते हो, उसके लिए रजिस्टर करना चाहते हो, तो आप मेरा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, और चैप्टर 1 मैंने डेमो क्लास में बता दिया है, उसी तरीके से मैं कॉपी टू कॉपी जो टेक्स्ट बुक में जितना इंपॉर्टेंट है पूरा वो मैं आपको बताना है उसमें बता दूंगा पूरा। अपने जितने भी लेक्चर हो गए मतलब कि एक एक चैप्टर का एक एक वीडियो है और वो 15 से 20 मिनट या तो कभी कोई 25 मिनट के आसपास जाएगा, उतने में मैं पूरा चैप्टर जो है वो पूरा कवर कर रहा हूँ और सभी इंफॉर्मेशन मैं आपको जो कांच की तरह पूरा बता दूंगा। तो लेकिन उसके लिए आपको पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा और मुझे ये भी पता है कि साइंस में कंप्यूटर के मार्क्स जो है वो ऐड होने वाले नहीं है, लेकिन कॉमर्स के लिए तो इसके मार्क्स काउंटेबल हो गए मतलब कि ऐड हो गए। लेकिन ये जो कंप्यूटर है वो तो सब्जेक्ट ही है ना, आपको पास तो दोनों में होना ही पड़ेगा, चाहे आप साइंस लिया होगा या तो कॉमर्स लिया होगा। तो आपको लास्ट टाइम में या तो पहले से आपको मेहनत करना है तो आप पहले भी पैकेज खरीद सकते हो, और एग्ज़ाम के टाइम पर आपको खरीदना है तो अभी आप खरीद सकते हो। यहाँ पर जो ग्रुप ट्यूशन आपके चलते होंगे आसपास के एरिया में उसके कंपैरिजन में आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि इसमें तो वहाँ पे आप जाके भूल जाओगे, उसका क्लास लिया होगा आपने, क्लास लीव किया होगा तो बाद में वो टीचर आपको समझाएंगे नहीं समझाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप वर्क रहेगा राइट। तो यहाँ पे आपको ये पर्सनली गाइड किया जाएगा, सभी चैप्टर पर्सनली एक्सप्लेन किए जाएंगे। और दूसरी बात कि आप अगर उसमें अगर आपका रिवीजन नहीं होता है तो आप फिर से भी उसको रिवाइज कर सकते हो, ये एक मौका सिर्फ यहाँ से ही मिल सकता है। तो एक कंसेप्ट जो है एजुकेशन लेने का, एक कंसेप्ट भी मैंने अप्लाई किया हुआ है कि आपको कोई नुकसान ना हो और आप फिर से इसका रिवीजन कर सको ये वीडियो देखकर। तो इसी तरह से ये पूरा मेरा गाइडलाइन जो थी चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर 13 में, ये इसी तरह की मैं गाइडलाइन प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो सभी स्टूडेंट जो है उसको सब्सक्राइब करें, पैकेज खरीदें और जितने हो सके उतना मेहनत करके अपनी गाइडलाइन जो है उसको फॉलो करके और फिर वो मार्क्स ज़्यादा कवर कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में। यहाँ पे मैं आपको दो रिजल्ट बताना चाहता हूँ कि जिसमें एक स्टूडेंट के कंप्यूटर में सिर्फ ग्रेसिंग मार्क आए हैं और उसकी वजह से उसको एक स्टार मिल गया और उसका रिजल्ट जो है वो स्टार वाला बन गया। दूसरा जो एक रिजल्ट है उसमें सिर्फ कंप्यूटर में वो स्टूडेंट फेल है, बाकी सब सब्जेक्ट में उसके बहुत अच्छे मार्क्स है। तो ऐसा आपके साथ ना हो और करियर जो है उसमें स्टार ना लग जाए, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आप रजिस्टर करवा लो, बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, ज्वाइन करना, रजिस्टर करवाना। थैंक यू ऑल।